नरेंद्र दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज सनी सरे से वैंकूवर की सरगर्मी आपके लिए लेकर हाजिर हैं। सरे में 23 मार्च की तकरीबात का जिस तरह से हो रही हैं उसमें यहाँ पे विमेंस भी उतनी ही एक्टिव हैं जितनी के वो और जगहों पे एक्टिव हैं। पाकिस्तान की तकरीबात करने के लिए विमेंस ने जो बेड़ा उठाया है उसमें हम आपसे मीना से मिलाते हैं। मीना बताएंगी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन कर रही है उसमें हम वेलकम करते हैं। मीना वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, वेलकम आप सब लोगों को भी। माय नेम इज मीना खान एंड आई एम रनिंग एसोसिएशन पाकिस्तानी कैनेडियन सिस्टर्स एसोसिएशन और हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम पाकिस्तान डे और सारी ख्वातीन और हजरात माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे भी उसमें हैं ज्वाइन किया हुआ उन्होंने हमें इस वक्त और काफ़ी माशाल्लाह इस वक्त उनकी खुशी आप देख सकते हैं कितने वो खुश हैं उसको सेलिब्रेट करके। और हमें यकीन है ना पाकिस्तान से दूर है मगर पाकिस्तान हमारे दिलों में रहता है बल्कि हम खुद पाकिस्तान हैं तो हम उससे बल्कि दूर होकर हम पाकिस्तान से और ज़्यादा मोहब्बत महसूस करते हैं तो हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उस मोहब्बत का इजहार कर सकें हम और बता सकें कि हम कितना पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली प्लेजर टू मीट एवरीवन हियर एंड थैंक यू एवरीवन वेरी गुड। आपने बिल्कुल अपनी बता केक कटिंग सेरेमनी पे पता चलेगा कि वाकई कितनी मोहब्बत करते हैं सरे बीसी कनाडा में इसी तरह की तकरीबात हो रही हैं और हम चाहते हैं कि आइए हम इस तकरीब में आपके साथ चलते हैं। देखते रहिए वैंकूवर इसका जोश वलवला देख सकते हैं यकीनन लोगों में इस वक्त हाँ, पाया जा रहा है। आप भी इसको एंजॉय कीजिए आइए मिलाते हैं आपको सबसे। अभी रुक आज पाकिस्तानी कैनेडियन सिस्टर्स एसोसिएशन के साथ ये यहाँ पे 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे की तकरीर कर रहे हैं। आइए ये केक कटिंग सेरेमनी हो रही है तो अभी हम इनके साथ केक कटिंग में शामिल होते हैं। हम सब पाकिस्तानी कैनेडियन सिस्टर्स एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तान डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हम सब कितना सब में जोश जज्बा नजर आ रहे हैं हम सब में और कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से ये हम अब उस बात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ हम पाकिस्तान से दूर होकर हम इस चीज़ को बहुत महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान से कितना मोहब्बत करते हैं तो ये हमारी मोहब्बत है। छोटा सा नजराना है पाकिस्तान के लिए छोटा सा नजराना चलिए केक काटिए। जी इस खूबसूरत भी ईद मेला के साथ खूबसूरत शाम के साथ दिल अपना पाकिस्तान देखते रहे। यहाँ पे प्री ईद मेला हो रहा है यहाँ पे मल्टी कल्चरल मेला है यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे होते हैं हर साल और रिजवाना शेख जो हैं ये इस शो को करती हैं और काफ़ी बड़ा शो है काफ़ी मशहूर हो गया लोगों में। यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल कपड़ों के ईद के कपड़ों के ज्वेलरी जूते और हर तरह के जो हैं स्टॉल हैं। नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद अपने देखने सुनने चाहने वालों के लिए रमज़ान की पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि रमज़ान का ये महीना तमाम दुनिया भर के इंसानों और मुसलमानों के लिए एक राह निजात का जरिया बनकर आए। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान।
वैंकूवर कनाडा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी प्रोड्यूसर और शायर इंतखाब आलम ने यौम आजादी के हवाले से मिली नगमा जारी कर दिया। खूबसूरत शायरी और दिल नशीन मनासिर पर मुश्तमिल मिली नगमा पाकिस्तानियों के दिल की आवाज बन गया है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। इंतखाब अहमद, आपको रमजान के महीने की आपको मुबारकबाद देते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रमजान का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आए और इस्लाम को प्रैक्टिस करने की तौफीक दे। नाज़रीन, रमज़ान के महीने में और उससे पहले मार्च में जो पाकिस्तान में सियासी डेवलपमेंट हुई हैं वो भी काफ़ी उससे तश्वीश है। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनके लिए एक ये लम्हा फिक्रिया है। और इस लम्हे फिक्रिया में हमारी याद हर वक्त पाकिस्तान के साथ रहती है। पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त सियासी तौर पर हो रहा है वो किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं है। पाकिस्तान की माशी तरक्की जो कोविड के ज़माने से लेकर अब तक 4.25 से ज़्यादा, जो कि दुनिया के तकरीबन बहुत सारे ममालिक में सबसे ज़्यादा है, एशिया के ममालिक में, वो उसका भी वो भी महसूस होता है कि उसकी तरक्की भी कहीं रुकने की तरफ ना चल पड़े। नाज़रीन, ये जो हालात हैं इनसे मैंने मुतासर होकर एक किताब लिखा है, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, आइए किताब सुनते हैं। जो निकल गए वो क्या रकीब थे, वो बेवफा कभी अपने करीब थे, जो मिजाज रखते थे हम असर, बीच राह में बिछड़ गए। नाज़रीन, जो लोग आपके करीब होते हैं, कभी आप उन पर तकिया करते हैं तो वो भी आपकी ज़िंदगी में या आपकी सियासी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला छोड़ जाते हैं, जो कि इस वक्त खान साहब के साथ हो रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि इमरान खान असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, इस्तीफ़ा दें और उसके बाद अवाम में जाएं और फुल मैंडेट लेकर आएं, और वो मैंडेट जो बहमी बराबरी के तौर पर दुनिया की कौमों के साथ हो, और हम किसी के साथ नौकर बनकर काम नहीं करना चाहते, अपने मुल्क पर ड्रोन हमले नहीं करवाना चाहते, अपने मुल्क के लोगों को आज़ादी से काम करने के लिए उनके लिए एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, वैंकूवर की सरगर्मियों में एक और सरगर्मी जो कि प्री ईद बाजार के नाम से हुई, हम उसका भी आपको हाल दिखाएंगे। और हमें सरप्राइजिंग तौर पर मॉन्ट्रियल काइट क्लब के फहद अलवी साहब से मुलाकात का मौका मिला, उन्होंने हमें पहचान लिया और वो वैंकूवर विजिट कर रहे हैं, मॉन्ट्रियल से आए हुए थे। हमें बहुत खुशी हुई कि वो उन्होंने हमें हमारा साथ दिया और एक पैगाम भी दिल अपना पाकिस्तान के नाज़रीन को दिया। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज सरे में, सरे के सरप्राइज में आज ऐसा सरप्राइज आज मेरे साथ है जिनसे मेरी फ़ोन पे तो बात होती थी, इनकी एक्टिविटीज़ में देखता रहता था, और वो हैं फहद अलवी। फहद अलवी जो है ये मॉन्ट्रियल से अपने पर्सनल ट्रिप पे आए हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया यहाँ पे, और मुझे और इतनी खुशी हो रही है कि इन्होंने मुझे पहचान कर ये आए यहाँ पे। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी जो मॉन्ट्रियल काइट फ्लाइंग जो है वो, उसके ज़रा मुझे बताएं कि आपने किस तरह से इतना बड़ा ग्रुप बनाया और किस तरह से आप काम करते हैं। वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया पहले तो इंतखाब भाई का, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं तो वैसे पहचान लिया था दूर से इन्हें,
माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है 23 मार्च का। पहले तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो बाकी मॉन्ट्रियल में 2016 से कोशिश जो है वो एक चीज़ को रिवाइव करने की है कि ऑर्गेनाइज तरीके से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काइट फ्लाइंग को कैसे प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। और एक एक करके एक एक चीज़ को अचीव करके चीज़ों को बनाया, ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद जगह तलाश करनी, फिर उसके बाद पसंद करवानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और इंशाल्लाह वैंकूवर में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम बनेगा तो ज़रूर एक प्रोग्राम ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह एंजॉय करूँगा मैं। बिल्कुल। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही। बिल्कुल। और बल्कि वैंकूवर के जो शायकीन, जो काइट फ्लाइंग के शायकीन हैं, उनके लिए आप मैसेज देंगे जल्द अज जल्द आपको आप यहाँ भी कुछ काइट्स अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मॉन्ट्रियल काइट क्लब, वैसे मैं मॉन्ट्रियल में हूँ तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, जैसा कि इंतहा भाई ने कहा है कि अवेलेबल होंगी। सो किसी को कोई भी चीज़ पूछनी हो, आपके सामने बैठे हैं, इज़ द मैन। और कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ जाननी हो, सवाल पूछना हो, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले टाइम में हम दिल अपना पाकिस्तान में जो वैंकूवर गाइड क्लब है उसके बारे में भी आपको गाए बगाए जो है, जैसे भी जो कोई प्रोग्राम आएगा हम उसके बारे में आपको मुतला करते रहेंगे। नदीन दिल अपने पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। यहाँ पे अप्री ईद मेला हो रहा है, यहाँ पे मल्टी कल्चरल मेला है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे होते हैं हर साल। और रिजवाना शेख जो हैं ये इस शो को करती हैं और काफ़ी बड़ा शो है, काफ़ी मशहूर हो गया लोगों में। यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल, कपड़ों के, ईद के कपड़ों के, ज्वेलरी, जूते और हर तरह के जो हैं स्टॉल हैं। तो आइए हम रिजवाना से, रिजवाना अलीम से बात करते हैं, देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मेरे साथ रिजवाना आ गई हैं। रिजवाना जो हैं वो हर साल जो मेला करती हैं जैसे मैंने बताया। रिजवाना वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। शुक्रिया बहुत। आप बताइएगा कि यहाँ पे आज इतने सारे स्टॉल लगाए हुए हैं आपने और आपके वेंडर्स ने स्टॉल लगाए हुए हैं, ये कपड़ों के हैं, पीछे ज्वेलरी है, हाँ हाँ ये ज्वेलरी है, बहुत सारी ज्वेलरी है ये, या और ये कहाँ की ज्वेलरी है को बताएंगी आप? इंडिया से हैं ये लोग, इंडिया के लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। बहुत अच्छी ज्वेलरी है, टॉप्स आप देखें और बड़े अच्छी प्राइस में ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है। और ये कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे खुद से हैं, जूतियाँ हैं, हाँ खुद से जूते हैं, खुद से हैं, या वेरी गुड। और ये सब बड़े चमकदार कपड़े हैं यार, मुझे हमेशा कपड़ों के नाम नहीं याद आते लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है यार। ये यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही हैं, हाँ ये चूड़ियाँ बहुत अच्छा, चूड़ियों का स्टॉल है, ये कपड़े बड़े स्टॉल है, हाँ बिल्कुल। चलें आप और बताएं यहाँ पे कोई खास यूनिक चीज जो है। हाँ बिल्कुल, कपड़े स्टॉल्स हैं इनका, कपड़ों का। जी जी जी। और ये यहाँ पे दुपट्टे मिल रहे हैं, या ये दुपट्टे हो गए इनके पास, या लेस, मुझे लेसे नजर आ रही है, लेसे भी है। हाँ देखें, मुझे ज्यादा पता लग रहा है, बिल्कुल यहाँ लेसे देखें, ये देखें लेसे भी मिल रही हैं, अगर किसी को लेसे चाहिए तो वो लेस भी ले सकते हैं आके यहाँ पे। तो आज ये कितने से कितने बजे तक हो रहा है? एक बजे शुरू हुआ था, रात 12 बजे तक है। तो ये तो बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। क्या बिल्कुल यहाँ पे भी ये भी ज्वेलरी भी आ गई है, बच्चों के, बड़ों के, सबके कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ये देखें, ये ज्वेलरी वाले लग रहा है, ज्वेलरी वाले सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे यहाँ पे। या या हाँ हाँ, ये वेरी गुड। यहाँ पे देखिए आपको लहंगे मिलेंगे, साड़ियाँ मिलेंगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने इसका नाम बहुत अच्छा रखा है, मल्टी कल्चरल जो ईद बाजार है, बिल्कुल बहुत अच्छा सब तरह का। और मेरे यहाँ पे स्टाफ है, बड़े खूबसूरत स्टाफ है, स्कार्फ भी मेरे साथ। डीजे शैम कम हियर, आई वांट टू टेक यू हियर, कम हियर, कम हियर।
ओके नाज़रीन, मेरे साथ डीजे शैम है जो कि शाम का प्रोग्राम आज यहाँ पे होगा। ये शो जो है प्री ईद मेला, डीजे शैम जो है इसकी मीडिया ऑर्गेनाइजर भी हैं, इन्होंने बहुत इस पर मेहनत की है। डीजे शैम, जस्ट टेल मी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टुडे हियर ऑन दिस स्टेज हियर। Today, this evening, around 8 o'clock, we're going to have local artists such as Anil Sharma and his musical group entertain us. Okay. And I believe Pinky, Bobby, Faison, Aziz, and a few other surprise guests are coming. Oh, very good. So it'll be a good show, right? It'll be a good show, yeah. It will be a good show. Let's see the gaon takiye aur gaddiyan rakhi hui hain yahan pe, bahut mahol banaya hua hai. तो या और अगेन ये दोनों मेरे साथ, ये इस जैसे वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान है, ये इस शो की दोनों जान है। तो पाकिस्तान और वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। वेरी गुड, अगेन वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान, थैंक यू। ये ज्वेलरी देखे, हाँ बहुत। वो ये क्या है ये बताएं मुझे, ये मुझे बताएं। हाँ ये बताएं, इसको क्या नाम है इसका? चूड़े यहाँ पे पहनती हैं। और ये हैवी तो नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत लाइट है। हाँ, तो इसकी क्या प्राइस होगी? ओह दैट्स नॉट, ओह माय गॉड, दैट्स सो गुड, 25, इतनी मेहनत, ओह नाइस 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 नाइस, दिस इज वेरी गुड। ये कहाँ का, कौन से शहर का फैशन है, ये कौन सी रियासत? पंजाब का है, हर जगह। और मुझे याद आ गया, वो लाचे के साथ भी बांधती थी औरतें साड़ी के साथ वो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। जी जी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलें, वो भी मुझे ज्वेलरी का स्टॉल अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा है। हाँ अच्छी कलेक्शन है। हाँ हाँ, ये देखे, अभी मैंने दो खरीदे हैं। नहीं भाई, हाँ। और ये शॉल, ये कितने की है, कितने की होगी ये? ये सुखी $160। अच्छा, हाँ वो स्पेशल रेट है ये इसका, अभी मैंने दो खरीदी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा किया। शादी आ रही है ना, उसके हाँ। लिए चाहिए मुझे। हाँ ये सादा सूट के साथ बहुत खूबसूरत। हाँ ये सादा सूट के साथ है, ये बिल्कुल। या अच्छा, और बताएं मुझे और जल्दी से, ये कुछ शादी, हाँ ये अच्छा, ये हैवी और लाइटर सूट दोनों तरह के। शादियों का सीजन है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं नाज़रीन उस दूर तक तो नहीं जा सकूंगा, देखें पीछे स्टॉल पे स्टॉल लगे हुए हैं, वही ज्वेलरी कपड़े। और अभी मेहंदी वाले नहीं आए अभी ना? मेहंदी वाले अभी वो शाम में आएंगे। हाँ मेहंदी वाले भी आएंगे अभी। और यह किसी को चाहिए, हाँ कुर्तियाँ भी हैं, बिल्कुल, वेरी गुड माशाल्लाह। ये वेंडर सब तक अनस्टिच भी सूट है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले स्टिच भी है, अनस्टिच भी हैं। आप लोग बेचें तो आप दर्जी कैसे, कौन कौन मुहैया करता है? हाँ पहले अंदर से मुहैया करते थे, अब नहीं करते, अब नहीं करते। हाँ सही, चले आज जिसे अपनी मर्जी का सिलवाना सिलवा ले वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये ज्वेलरीज है, ये भी कुर्तियाँ हैं। हाँ ये वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। या ये प्री इस बाजार में जी है, ये आपका स्टॉल है। आप बताएं मुझे कि ये कुर्ती आप, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत ही। या ये तो आइडिया इज टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी डिजाइनर्स टू वेंकूवर। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। या सफीनाज, वी हैव शनेर, वी हैव बारीजे, वी हैव थ्रेड्स एंड मोटिव्स, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन कपल ऑफ अदर बिग डिजाइनर्स। दैट्स वेरी गुड, मैं आपसे आपका कार्ड लूंगा अभी। थैंक यू वेरी मच। या चलें जी, हाँ मैं अभी आता हूँ। ये देखें एक और, ये हमारी नगों वाली भाभी हैं। मैं इन्हें नगों वाली भाभी कहता हूँ, नगों वाली ना, इनके नग नगीनों, हाँ वही ना, नगीने या नग एक ही बात है। माशाल्लाह ये देखें जी, बहुत ही अच्छा,
जी आपसे पिछली दफा भी मैंने इंटरव्यू किया था, आप बताएं आज क्या है? बहुत एक्साइटेड हैं जी हम आज, रिजवाना जी ने इतने दिनों के बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा मौका दिया, हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं शॉपिंग का, प्री ईद में प्री रमजान मेला, ऑफ कोर्स रमजान में भी बहुत सारी अभी खुल गया है सब कुछ, होपफुली है ना, तो अब हम हर जगह जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, शॉपिंग इज ऑन, सब कुछ है। रिजवाना जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें एक दफा फिर एक प्लेटफॉर्म देती है हमेशा की तरह। बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, बताएं। और अभी एक और 15 अप्रैल को एक और हम रमजान मेला करने जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड जी, माशाल्लाह। और 28 और 29 रोजा को दो चांद रात होंगी। दो चांद रात होंगी, ये तो अच्छा, एक अपना चांद और एक आसमान वाला। बिल्कुल बिल्कुल, दो चांद इकट्ठे। ये कुर्ते भी, हाँ जूते भी हैं, या बिल्कुल, या बिल्कुल, एवरीथिंग स्टॉल पे आप इतनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे ख्वातीन इतनी खूबसूरत होती हैं, फिर भी ये इतनी खूबसूरती की चीजें सही। शुक्रिया शुक्रिया जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छे इनके पास कपड़े हैं, और ये अपना क्लोज कर रही है, स्टोर कर क्लोज कर, वेयर इज दैट स्टोर? 9324 स्कॉट रोड। अच्छा, ओके, 9324 स्कॉट रोड पे, ये वेरी गुड, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त है। कपड़ों का कारोबार मैंने भी किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके ज्यादा अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं। और अभी टाइम है, खुल रहा है, तो अभी आपने मेरे ग्रैंडसन हैं, सो आई वांट टू एंजॉय माय ग्रैंडसन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 50-70% ऑफ। यस, दैट्स वेरी गुड, आई विल कम बैक हियर, मे बी मे आई विल सेंड माय फैमिली एज वेल। या बहुत अच्छे, शादियों का सीजन है, बहुत अच्छे लॉन्ग ड्रेस इनके पास आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे हैं यहाँ, बिल्कुल, ये प्राइस बड़ी अच्छी है। हाँ चलें जी, शीला, शीला का है आपने नाम? शीला, हाँ मुझे शीला की जवानी याद आ गई, तो हाँ वो मे बी दैट्स व्हाई। ओके ओके, ये आपके परमानेंट? हाँ, ये बहुत अच्छी गहने, हाँ दैट्स वेरी गुड वेरी गुड, वो भाई भी, हाँ वेरी गुड, वेरी इनकरेजिंग, थैंक यू थैंक यू जी। एक और यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल, और ज्वेलरी जनाब मैं घूम के इसको सब तरफ से करता हूँ, या और रमजान हो, ईद हो, चांद रात हो, और ज्वेलरी ना हो, कपड़े ना हो, तो ये तो बात काबले कबूल नहीं है। जी, इस खूबसूरत प्री ईद मेला के साथ, खूबसूरत शाम के साथ, दिल अपना पाकिस्तान देखते रहे। दिल अपना पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया, इंतखाब भाई हर मौके पे पहुंचते हैं और हर कवरेज करते हैं, और पाकिस्तान के लिए इनका दिल धड़कता है। पाकिस्तान कैनेडियन जिंदाबाद। जी जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे दिल अपना पाकिस्तान के बारे में? सो मच दिल अपना पाकिस्तान, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि खास खास इंतखाब भाई का, कि ये हमेशा बहुत मेहनत से और बहुत मोहब्बत से ये इन चीज़ों को मतलब कैप्चर करते हैं अपने प्रोग्राम में, और से आप करते हैं, और इस चीज़ का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। खास तौर से पाकिस्तानी कैनेडियन एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you, thank you. New Masjid project inshallah in Guildford. New Masjid inshallah building in Guildford. So registering for Salaam alaikum. जी आप एक, जी सलाम अलैकुम, जी सलाम अलैकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज गिलफर्ड मसाला के जो वॉलेंटियर्स हैं वो यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। ये एक
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है रमज़ान करीम में, उसको हम चाहते हैं कि आपसे बात करें, आप कुछ बताइएगा। जी बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गिलफर्ड इस्लामिक सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 साल से है यहीं पे मॉल के सामने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने टीम बनाई है, मस्जिद प्लानिंग टीम और मस्जिद के लिए मार्केटिंग की टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग्स की हैं और हमने लैंड भी देखे हैं 2-3 वहाँ पे, जो हम फाइनलाइज कर रहे हैं। हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने फंड रेजिंग शुरू की है, सैटरडे अप्रैल 16 को इंशाल्लाह फंड रेजर होगा, मुसल्ले के अंदर ही होगा। शेख अहमद शहाब आ रहे हैं टोरंटो से इंशाल्लाह, और जो लोग नहीं आ सकते इन पर्सन उनको हम फ्री डिलीवरी कर रहे हैं इफ्तार उनके घर तक, तो उसके लिए इंशाल्लाह ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ लिंक भी अवेलेबल है, और इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे gicc.masjid.org वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक भी है, डोनेशन लिंक भी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी है। बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, अपने देखने सुनने चाहने वालों के लिए रमज़ान की पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि रमज़ान का ये महीना तमाम दुनिया भर के इंसानों और मुसलमानों के लिए एक राह निजात का जरिया बनकर आए। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जो निकल गए वो क्या रकीब थे, वो बेवफा कभी अपने करीब थे, जो मिजाज रखते थे हम अस बीच राह में बिछड़ गए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी कौम जो है जो सच्चे दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की चाहती है, दिल अपना पाकिस्तान भी यही चाहता है। हम चाहते हैं कि वहाँ की आवाम की डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और उनकी जो सोशल और माशरती डेवलपमेंट है वो हो, और जो वहाँ पे जो लोग स्टेटस को के हामी हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशों को नाकामी की तरफ धकेल दे। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। देख